हे एवरीवन, आवाज आ रही है? हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, क्या चल रहा है? गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन? स्कूल के अंदर क्या चल रहा है तुम्हारा? केमिस्ट्री का तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही चल रहा है हमारा, मतलब अभी स्टार्ट किया। अच्छा, स्टेट बोर्ड का है क्या? हाँ ओके, एंड बाकियों और के कुछ? लिए गुड इवनिंग देवांगी, गुड इवनिंग अखिलेश। एग्जाम फ्रॉम टुमारो, कल से एग्जाम है कौन से स्कूल के? हाँ, वीकली टेस्ट कल वेनेसडे है ना? हाँ, वो तो हर वेनेसडे होंगे ना बेटा। एचएससी का एडमिशन ही चालू है। आई नो दैट। विल वेट फॉर 2 or 3 मिनट्स, द स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग। ठीक है, ओके। हम लोगों ने लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था, करेक्ट? यस। या आज ना फर्स्ट लॉ के अंदर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। स्टूडेंट्स आर कमिंग, लाइक वेट करते 2-3 मिनट, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, ओके, ग्रेट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? गाइस, एक बात बताओ, एक्सप्रेशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? Q is equal to du minus W, जहाँ du पे माइनस Q डब्ल्यू, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? yes. अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। ठीक है, अगर सपोज करो एक सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को मैंने एनर्जी दिया तो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो क्यू होगा वो पॉजिटिव होगा सिस्टम के लिए कि नेगेटिव? इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी। पॉजिटिव हाँ, क्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज गेनिंग एनर्जी, राइट? सिमिलरली, अगर सिस्टम ने सराउंडिंग को एनर्जी लिबरेट किया, दिया बाहर की तरफ, तो क्यों क्या होगा? ये लूज कर रहा है एनर्जी टू नेगेटिव सराउंडिंग, तो क्यों क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव। वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं वर्क की। एक बार बताओ, एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है? गाइस, लाइक आई वांट टू आस्क यू समथिंग। ठीक है, तुम कमरे का दरवाजा खोलते हो, राइट? तुम कमरे का दरवाजा खोलना आता है ना गाइस? यस हाँ, कमरे का दरवाजा खोलते हो, ठीक है? तुम्हें कमरे का दरवाजा खोलना आता है, तो चक्कर क्या है, किसी ने दरवाजे के पीछे 5 kg का वेट रख दिया, तो जब तुम अब फोर्स लगाओगे, दरवाजे को पुश करोगे अंदर की तरफ, तो तुम काम अपने वेट के अगेंस्ट कर रहे हो कि वो 5 किलो के अगेंस्ट कर रहे हो? 5 किलो के पांच अगेंस्ट किलो के पांच किलो के अगेंस्ट कर रहे हो, ठीक है? सिमिलरली, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर 10 किलो वेट रख दिया, तो तुम्हारे ऊपर 10 किलो काम कर रहा है कि तुम्हारा खुद का वेट तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है? 10 किलो ना, 10 kg। 10 किलो तुमको दबा रहा है, इट इज डूइंग सम वर्क ऑन यू। सो इट इज लाइक द एक्सटर्नल वेट और द अप्लाइड वेट फॉर विच यू आर डूइंग वर्क, और द वेट इज डूइंग वर्क ओवर यू।
इजंट इट, वो बाहर का वेट है, तुम्हारा बॉडी का वेट से उसका कोई लेना देना? नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मतलब कितने समझदार हो। एक बार बताओ, अंदर का प्रेशर 4 ATM है ना गैस का, बाहर का प्रेशर प्रेशर 2 ATM है, तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा। अच्छा, जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो गैस काम कर रहा है ना पिस्टन को धकेलने में ऊपर, तो यस पिस्टन यस जो है वो 2 ATM के अगेंस्ट काम कर रहा है कि 4 ATM के अगेंस्ट काम कर रहा है? धक्का किसको दे रहा है, वो बाहर के प्रेशर को एटीएम खुद के प्रेशर को? कितने, एटीएम कौन से ATM, 2 या 4? टू हाँ, एटीएम इट इज पुशिंग द ATM, राइट, द प्रेशर इज पुशिंग द प्रेशर, विच प्रेशर इट इज पुशिंग? 2 ATM, सो इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, राइट? यस सर। वेरी गुड। तो होगा क्या, ये गैस क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो फाइनली इसने पिस्टन को पुश किया, अंदर का प्रेशर भी 2 ATM हो गया, बाहर का प्रेशर भी 2 ATM हो गया, पिस्टन रेस्ट पे आ गया, वॉल्यूम पहले V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया, करेक्ट, वॉल्यूम बढ़ गया, एग्रीड? तो जब एक्सपेंशन होता है, व्हेन इट इज एक्सपेंशन, तो सिस्टम काम कर रहा है कि सिस्टम पे काम हो रहा है? दोनों में से कौन सा सही है, सिस्टम ने काम सिस्टम किया काम कर कि रहा है, सिस्टम पे काम हुआ? सिस्टम इज वर्किंग, काम सिस्टम कर इज रहा है। वर्किंग। अच्छा, जब सिस्टम काम कर रहा है तो अपना एनर्जी यूज करके काम कर रहा होगा ना, जब तुम धक्का दे रहे हो तो यस तुम सर। अपना एनर्जी यूज कर रहे हो ना, तो वो यस जो एनर्जी है वो तुम स्पेंड कर रहे हो, तो वर्क डन नेगेटिव हुआ कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव, नेगेटिव होगा Because on that work you are spending energy, right? सर। या तो here इस चीज को बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन जब भी कोई चीज एक्सपैंड, गैस एक्सपैंड करता है, इट मीन्स इट इज डूइंग वर्क। तो एक्सपेंशन वर्क में बोला जाता है वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द गैस एंड वर्क डन इज नेगेटिव। कोई डाउट? नो सर, तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अगर सपोज करो बाहर का प्रेशर 4 ATM था और अंदर का प्रेशर 2 ATM है, ये गैस है ना, तो यार गैस पे 2 ATM काम कर रहा है कि 4 ATM काम कर रहा है? 4 ATM 4 ATM 4 ATM धक्का दे रहा है, करेक्ट। फाइनली क्या होगा, सिस्टम पर काम हुआ, तो जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको पुश कर रहा है, मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है कि गैस काम कर रहा है? उसके ऊपर ऊपर काम कर अच्छा, तो उसने एनर्जी गेन करी कि लूज करी इन द फॉर्म ऑफ वर्क? गेन। हाँ, तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन वर्क। ये है तुम्हारा वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2, एंड दैट वर्क इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन वर्क। वी से दैट वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क डन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकॉज सिस्टम इज गेनिंग वर्क। एग्रीड? यस सर, बात समझ में आई गाइस? यस सर, सच्ची बताओ। यस सर। अच्छा, यू वांट टू राइट डाउन, ऊपर करना है क्या?
डन है अब। वो के नाउ लिसन, सम क्वेश्चन वील डू एंड देन वील डू मोर रिसर्च ओवर इट, ठीक है। नाउ सपोज करो ये सिस्टम है, क्या है सिस्टम? इस सिस्टम ने 2000 जूल्स एनर्जी गेन किया, उसके बाद इसको ये पता लगा कि इसका जो इंटरनल एनर्जी चेंज है ना वो -500 जूल्स है। कितना है? जूल्स गेन करने के बाद भी नेट एनर्जी चेंज कितना है, इंटरनल एनर्जी चेंज? -5 तो मुझे एक बात बताओ, कितना वर्क, क्या वर्क क्या है, वर द वर्क, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन? -2500 एग्जैक्टली। सुनो, कॉमन सेंस है, मैंने तुमको 2000 रुपये दिए, फिर भी तुम्हारे पास फाइनली 500 रुपये कम हो गए, तो तुमने खर्चा कितना किया? 2500 तो तुमने काम कितना किया? 2500 बात समझ में आई? और अगर तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लगाओगे तो क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू होता है। एक बार बताओ, क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो, क्यू पॉजिटिव है कि पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2000। डी यू आया -500, उसके बाद वर्क डन इज -W, तो इसको इधर लेके जाओगे तो -W इज इक्वल टू 2500 जूल्स, देन वर्क डन विल बिकम इक्वल टू -2500। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कह रहा है ना, यस सर। सही है ना? एक क्वेश्चन और, वर्क इज डन ऑन द गैस, लेट्स से वर्क डन इज कंप्रेशन हुआ, वर्क डन इज 2500 एंड इट इज लूजिंग 2000 जूल्स टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ऊपर काम 2500 हुआ और तुमने 2000 लूज किया, तो तुमने इवेंचुअली डीयू कितना होगा, तुम्हारे अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा? अखिलेश सोच के, तुमने 2000 गेन किया कि लूज किया? लूज लूज किया ना, और तुम क्या गेन कर रहे हो? तो तुमने 2500 गेन किया, 2000 लूज किया, तो बचा कितना तुम्हारे पास? 500 500। तो शैल आई से दैट वर्क डन इज एक्चुअली +2500 जूल्स, क्यू इज -2000, तो क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू, एग्रीड? यस तो क्यू है तुम्हारा -2000, डी यू तुम्हें कैलकुलेट करना है, माइनस डब्ल्यू मतलब -2500 जूल्स, एग्रीड? तो डी ओ कितना आएगा? सर मेरा लैग हो गया था, ये -2000 कैसे है? बेटा तुमने लूज किया सर, सराउंडिंग पर को दिया है ना, गेन होता है ना? बेटा गेन तो सिस्टम गेन करता है, जब सिस्टम लूज करेगा तो माइनस होगा ना, इट इज गिविंग आउट हीट। ओके सर। सर फिर वो कंप्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने काम किया उसके ऊपर, वो तो मैं काम कर रहा, मैं दबा रहा हूं ऊपर से उसको, क्या दिक्कत है उसको? बाहर 4 ATM रख लो तो अंदर 2 ATM रख लो तो कंप्रेस ही करेगा ना। हाँ
तो ये लूज भी कर रहा है कंप्रेशन भी हो रहा है, तो दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा ठीक है, तो डी यू कितना आएगा? प्लस 500 गेटिंग इट, कोई इश्यू इसके अंदर? नो सर, नो सर। चलो आप एक काम करते हैं, वी विल डू रिसर्च ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू, तो हीट चेंज है, वर्क डन है और इंटरनल एनर्जी चेंज है। हम इन तीनों टर्म्स के ऊपर काम करेंगे, तो सबसे पहला टर्म है वर्क डन और वर्क, ठीक है? तो पहले वर्क के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? वर्क पार एनर्जी चल रहा है ना तुम्हारा? यस सर। एक बात बताओ, ये जो है दैट इज अ सिस्टम, सिस्टम ने क्या किया, एरिया ए ले लो पिस्टन का, और लेंथ था एल, थोड़ा सा एक्सपेंशन किया इसने फ्रॉम एल से एल प्लस डी एक्स, बाहर का प्रेशर जो है दैट इज पी एक्सटर्नल। गाइस कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता? अरे वर्क पार एनर्जी कर रहे हो ना, व्हाट इज द वर्क फॉर्मूला? एफ डॉट एस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डीएक्स इंटीग्रल, करेक्ट? यस सर। नेटवर्क तो यही होगा ना, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएक्स। एक बात बताओ, अगर तुम इस पिस्टन पे ध्यान दो, हो क्या रहा है, इस पिस्टन पे पी एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो शैल से अगर प्रेशर का डायरेक्शन इधर है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यस सर, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डीएक्स, तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डी है डीएक्स, कोई डाउट? नो सर। तो एफ डॉट डीएक्स कितना हुआ? व्हाट द एंगल बिटवीन एफ एंड डीएक्स? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हुआ तो कॉस 180 डिग्री कितना होता? -1। एग्रीड? यार एक बात बताओ, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर होता है? यस सर। तो ये एरिया है, ए इज एरिया, तो व्हाट इज फोर्स? जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो फोर्स लगा है, वो दैट इज पी एक्सटर्नल इनटू एरिया, राइट? यस। और पी एक्सटर्नल क्यों लिया, क्योंकि तुमने थोड़ी देर पहले मुझे बोला था कि सर बाहर वाला वेट मैटर करता है, अंदर वाला वेट मैटर नहीं करता है। अंडरस्टूड। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लेट्स से एक्सपेंशन वर्क लिया, तो इट इज वर्क अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल प्रेशर, राइट? एग्रीड। अच्छा एक बात, ए इंटू डी एक्स कितना है, एरिया इंटू डी एक्स कितना आएगा, लिख सकते हैं डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। यस। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल dv from volume v1 to v2, that is the work done formula, koi doubt iske andar? No sir. Samajh mein aaya? Likh lo.
गाइस लिख लिया, स्क्रॉल डाउन करूं? यस सर। वो क्या सर, हमने यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट किया है। इधर वर्क डन तो हमेशा एक्सटर्नल के अगेंस्ट ही होगा ना, चाहे वो प्रेशर दबा रहा हो या तो तुम उसको धक्का दे रहे हो, तो मैटर क्या करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर की इंटरनल प्रेशर? तुम्हारा खुद का वेट मैटर करेगा कि जिस वेट को तुम धक्का दे रहे हो वो मैटर करेगा? अच्छा ओके, जिसको धक्का दे रहे। हाँ तो मैं एक्सटर्नल हूँ कि इंटरनल हूँ? एक्सटर्नल। यस सर, थैंक यू। सर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे काम कर रहा है, राइट? हाँ देखो, मैं धक्का दे रहा हूँ एक्सटर्नल प्रेशर को इस केस के अंदर, जनरल एक्सपेंशन निकाला मैंने। अच्छा खुद सोचो, एक्सपेंशन में वॉल्यूम पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा एक्सपेंशन में? डेल्टा वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा एक्सपेंशन के अंदर? बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नेटवर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो सही है ना, एक्सपेंशन वाला वर्क डन नेगेटिव होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो डीवी क्या आएगा? नेगेटिव। बात समझ में आई? अगर डीवी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। गॉट दैट पॉइंट? यस सर। सही है ना एक्सप्रेशन, सही है ना? हमने भी तो यही कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चले आगे गाइस। यस। चलो ग्रेट। नाउ लिसन, नाउ लिसन, वर्क कैलकुलेशन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात बताओ। सबसे पहले चेंज सिस्टम में आता है। दोबारा सोचो, इरिवर्सिबल की बात हो रही है, इरिवर्सिबल के अंदर होगा क्या? सराउंडिंग I can't hear you better properly. Can you say that again? And sudden change. देखो मेरे को ना bookish language नहीं चाहिए, sudden change नहीं चाहिए, मुझे ना मोटा मोटा हिसाब किताब चाहिए कि reversible के अंदर, irreversible के अंदर अगर तुम visualization करते हो तो मतलब क्या सबसे इम्पोर्टेंट चेंज होता है जो तुमको पता होना चाहिए कि चक्कर सिस्टम और सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम नहीं होता। करेक्ट है, बट अगेन इक्विलिब्रियम नहीं होता, सराउंडिंग के अंदर क्या होता है, सिस्टम के अंदर क्या होता है, चेंज कहाँ आता है, चेंज कहाँ नहीं आता है, वो सारी चीज़ें बोलोगे ना। मतलब जिस चीज़ को हमने आधा घंटा डिस्कस किया कि रिवर्सिबल में ये प्रॉब्लम है और रिवर्सिबल में ये प्रॉब्लम है, तो रिवर्सिबल के अंदर मेन मुद्दा क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मेन मुद्दा क्या है? क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग चेंज होती है क्या? नहीं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर कभी भी सराउंडिंग चेंज होगा क्या? नहीं। चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, क्या सराउंडिंग के वेरिएबल चेंज होंगे? No. नहीं नहीं। तो यार एक बार बताओ, फॉर एनी प्रोसेस दैट इज आइसोकोरिक,
आइसोबारिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कोई डाउट? नो सर। ए एवरीवन, इसमें कोई डाउट? नो सर। वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? पी एक्सटर्नल डीवी। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू। क्या पी एक्सटर्नल चेंज होता है क्या इरिवर्सिबल के अंदर? नो सर। अगर चेंज नहीं होता तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख दूं? यस सर। माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटीग्रल ऑफ डीवी, डीवी का इंटीग्रल क्या होगा? वी। वी तो वी में वी टू माइनस वी वन डालोगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। कोई डाउट? तो चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, बाहर का प्रेशर चेंज नहीं होता है इरिवर्सिबल के अंदर। तो वर्क डन इरिवर्सिबल हमेशा याद रखोगे कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया क्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस ऑफ डब्ल्यू होता है इरिवर्सिबल। डब्ल्यू इरिवर्सिबल तुम्हारा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस में विल बिकम इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अकॉर्डिंग टू इरिवर्सिबल प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन आ जाएगी क्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर तुम ये इक्वेशन यूज करोगे, राइट? यस। ओके, क्यू इरिवर्सिबल वापस क्या कह रहे हो बेटा? But I can't hear you. Am I like I'm not audible? Q in irreversible वाला वापस explain करेंगे। हाँ बेटा, Q irreversible होता है, Q होता है du minus w। du की जगह delta u लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है इसके अंदर? Because तुमने कहा sudden large change होता है, तो small change की जगह large change हो रहा है यहाँ पे। तो अगर Q is equal to du minus w है तो Q reversible is equal to du minus w reversible। Q irreversible will be equal to du minus w irreversible। तो Q irreversible is equal to delta u minus w irreversible। W irreversible is equal to minus of p external delta v। तो minus of minus p external delta v क्या हो जाएगा? Plus p external delta v। मैंने क्या कहा? Q irreversible is equal to delta u du प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हमेशा इरिवर्सिबल के लिए यूज होगा। गेटिंग इट सर? फिर अपने इसको वापस डीयू लिखा। अरे डेल्टा यू डीयू बात तो ये डेल्टा बात तो चेंज ही राइट। लिख लिया? यस सर। यस सर। आगे चलें? यस सर। ओके, अब बात करते हैं रिवर्सिबल की, राइट? यू गाइस हैव यू गाइस रिटन दैट राइट? तो चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, अंडरस्टूड? एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं होता अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है?
अब बात करते हैं रिवर्सिबल वर्क डन की। गाइस कैन यू प्लीज टेल मी रिवर्सिबल में क्या होता है? पी एक्सटर्नल चेंज हो सकता है। पी एक्सटर्नल चेंज होता है ना? यस। अगर पी एक्सटर्नल चेंज होता तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब सेम होगा। शैल आई से दैट रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर P internal and P external equilibrium में रहते हैं। Shall I say that P external is equal to P internal plus minus dP which is negligible, but हमेशा P external और P internal same रहते हैं, right? Yes sir. Every process internal pressure and external pressure are same, correct? तो एक बात बताओ, जब P external और P internal same है तो वर्क डन जो है विच इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी जो हमने निकाला था फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू, अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो वर्क डन रिवर्सिबल के अंदर मैं पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लिख सकता हूं? यस सर, बिकॉज पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल ऑलवेज इक्वल। तो यार मेरे को बताओ, पी एक्सटर्नल ज्यादा सही रहेगा कि पी इंटरनल ज्यादा सही रहेगा लिखना इधर? देखो पी एक्सटर्नल भी चेंज हो रहा है, पी इंटरनल भी चेंज हो रहा है और दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। गेटिंग इट? हमेशा पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल सेम रहेगा। तो मैं पी इंटरनल लिखूं कि पी एक्सटर्नल लिखूं, ज्यादा सही कौन सा? बताओ ज्यादा सही कौन सा? गाइस ज्यादा इंटरनल। इंटरनल क्यों ज्यादा सही है सर? तो क्योंकि जो वॉल्यूम है वो उसका ही ले रहा है। हाँ, मतलब चक्कर क्या है, अगर मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करने की जरूरत होती, समझना, अगर मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना होता तो मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी सिस्टम के लिए लगा सकता हूँ ना? यस। एक बार बताओ, अगर मेरे को सराउंडिंग का प्रेशर निकालना है, अगर मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी सराउंडिंग के लिए लगाया तो वॉल्यूम क्या लोगे सराउंडिंग का? पता है तुमको वॉल्यूम सराउंडिंग का? नो सर। नहीं, इट इज इनफाइनाइट, राइट? तो क्या तुम पी एक्सटर्नल कैलकुलेट कर सकते हो क्या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से? नो। पी इंटरनल कैलकुलेट कर सकते हो ना? यस सर। सिंपल, क्या कैलकुलेट करना, पी इंटरनल या पी एक्सटर्नल? बिकॉज दोनों इक्वली पी इंटरनल, तो बेटर है ना रिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेशन में मैं क्या करूँ, पी इंटरनल यूज कर लूँ यहाँ पे? कोई डाउट? नो सर। नो, कोई डाउट नहीं। तो रिवर्सिबल के लिए ना व्हाट आई विल डू, आई विल यूज पी इंटरनल डी वी, ठीक है? अब एक काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए रिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तुमने इतना लिख लिया? ए, लिख लिया इतना? यस यस सर। नाउ लिसन, रिवर्सिबल वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। Can anyone explain me what is isochoric process? Isochoric process में क्या होता? System का volume same रहता है। अगर system का volume constant है तो what about change in volume? Zero। Very good। अगर मेरे को reversible work done पता है, work done reversible is equal to minus of P internal dV from volume V1 to V2, तो dV कितना है? Zero। तो work done कितना आया? Obviously बात है ना, ना तो कोई expansion हो रहा है ना तो कोई contraction हो रहा है, तो कोई work done होगा क्या? No। हाँ, work done का मतलब यही होता है ना, expansion या contraction, right? आगे चलें? Yes, sir। चलो नेक्स्ट थिंग इज फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है?
प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पी इंटरनल भी कांस्टेंट होगा, पी एक्सटर्नल भी कांस्टेंट होगा, चेंज इन प्रेशर क्या आएगा? जीरो। अच्छा वेरी गुड, तो वर्क डन रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या? माइनस ऑफ पी इंटरनल डीवी फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। तो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल हैं और दोनों ही क्या है? कांस्टेंट। तो पी इंटरनल को बाहर निकाल लें। डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? गाइस डीवी का इंटीग्रेशन हाँ वी हो जाएगा माइनस ऑफ पी इंटरनल डेल्टा वी। कोई डाउट? वर्क डन रिवर्सिबल। आगे चलें। वेरी गुड। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट हैपेंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट एंड change in temperature is zero. Change in temperature is zero. Agreed? Yes, sir. Now एक बात बताओ, जब temperature constant होता है, ठीक है, अगर suppose करो कोई भी चीज़ और कोई भी process चल रहा है, समझना इस चीज़ को, अगर कोई भी gaseous process चल रहा है constant temperature पर, number of moles temperature constant है, तो shall I say that P1 V1 is equal to P2 V2? बेटा PV is equal to nRT, Boyle's law, at constant number of moles and temperature, what will happen if the volume increases, then pressure and volume both changes, right? Yes, sir. Yes. अरे हाँ या ना, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Simple सा logic है यार, PV is equal to nRT होता है, अगर n constant है, t constant है, तो PV constant हो जाएगा, तो P1 V1 is equal to P2 V2. तो अगर शैल से P इज इक्वल टू K बाय V, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करें, कम होगा। कम होगा तो मतलब प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। अब सीधी सी बात है, वर्क डन रिवर्सिबल का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ P इंटरनल DV। अब प्रेशर भी चेंज हो रहा है एंड मैं मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? एक बार बताओ इसका क्या आंसर होगा, अगर क्या कहते हैं इंटीग्रल ऑफ y dx, इंटीग्रेट कर सकते हो क्या इसको y को विद रिस्पेक्ट टू dx? अरे कोई इंटीग्रेशन कर सकता है क्या इसका, इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है? नो सर। नहीं ना। अच्छा अगर किसी ने बोल दिया y इज इक्वल टू 5x², तो तुम y को इधर पुट करोगे तब यहाँ पे 5x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो ना? यस सर। तो मतलब मेरे को y को x की टर्म में डालना ही पड़ेगा ताकि मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊँ, राइट? यस सर। इज़न्ट इट? तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं तो मैं ये चाहूंगा कि पूरी चीज को एक के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर दूं, करेक्ट? Yes. Very good. इतना समझ में आया? कोई डाउट इसके अंदर? इस अंडरस्टैंड? No sir. Now understand one more thing. I know that for isothermal process,
फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आई नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट? एन कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, डी कॉन्स्टेंट, ये पूरी चीज कॉन्स्टेंट है? Yes. तो शैल ऐसे P इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी, कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. तो तुमने क्या किया, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लिया, जहां पे N भी कॉन्स्टेंट है, R भी कॉन्स्टेंट है, D भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट तो बाहर चला जाएगा, राइट? Yes, sir. तुमने इस प्रेशर को इसके अंदर डाल दिया, कोई डाउट? No, sir. तो तुम्हारे पास वर्क डन रिवर्सिबल आया माइनस ऑफ एन आर टी बाय वी डीवी। अब एन आर टी क्या है? कॉन्शन। तो एन आर टी को बाहर निकाल देंगे? यस सर। तो आया डीवी बाय वी इंटीग्रल फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ डीवी बाय वी? एलएन वी। LNV, natural log v. So I'll be getting minus of nRT natural log v from volume V1 say V2. Go it out? No, sir. Minus nRT natural log V2 minus natural log V1. Yeah, yeah. Log A yes, minus sir. Log B is equal to log A by B. Getting it? Yes, sir. एक और चीज समझो, अगर कोई भी टर्म है नेचुरल लॉग x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.303 log to the base 10x, ये कन्वर्जन होता है, गेटिंग इट? Yes, sir. Guys, you understood that? Sir. हाँ, natural log s x का जो conversion है that is minus 2.303 log to the base 10x, इसमें कोई doubt? No, नहीं ना, अगर ऐसा तुमको पता है कि ऐसा कर सकते हैं then I am just writing it down as माइनस ऑफ 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस वी टेन वी वन वी टू बाई वी वन, तो नेचुरल लॉग को तुमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ये बताओ, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू हो सकता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे? यस यस। वी टू बाई वी वन को पी वन बाई पी टू भी लिख सकता हूँ? अरे हाँ या ना, दैट इज वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, गेटिंग इट? यस सर। अच्छा इसको स्क्रॉल अप करना है कि लिख लिया तुम लोगों ने? सर थोड़ा ऊपर करिए। सर नीचे लीजिए। या
लिख लिया, यस आगे चलें। हाँ यस ओके गाइस लिसन नाउ, वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर जितना भी हम लोगों ने किया। क्वेश्चन, टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन is undergoing an isothermal expansion at 300 Kelvin from volume 10 liters 220 liters। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन। हेल्प करूंगी, खुद करने खुद करोगे। अब वन सेकेंड, अंडरगोइंग isothermal at 300 Kelvin। हाँ वन सेकेंड हाँ, गिव मी अ मिनट। एट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, या नाउ कैलकुलेट वर्क डन। I wanted to calculate the work done nicely. Very simple question. Class 9 standard student can also do it. I want the answer. Okay. And natural log 2 is 0.693. Log 2 is 0.301. Okay. And that's all. Okay. Guys, you want my help or you can do it? अच्छा पहले ही बताओ किस किस का आंसर आ गया, यू लो चैट बॉक्स राइट। हाँ निरंजन, क्या है आंसर इसका? सर थोड़ा बाकी है, ठीक है करो करो करो। ओके निरंजन करो, सॉल्व करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम, वी विल बी लाइक 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट और ले लो, देन वी विल डू। ओके खुशी, ओके निरंजन, यू गॉट द सेम आंसर।
गाइस जल्दी बताओ यार, इतना ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाइन्थ स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। ओके श्रेया, ओके ओके खुशी, हाँ ठीक है, नेगेटिव ही आएगा आंसर तो, एक्सपेंशन है ना। या नरेंद्र, चलो गाइस बिफोर वी डू दिस, ओके देवांगी ठीक है, सबसे पहले जब हम ये काम कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? एवरीवन शुड आंसर दिस थिंग, इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। गाइस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? आई गॉट वन आंसर टिल नाउ। सर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट तो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सुनो ना, अगर बाहर के वेरिएबल्स कांस्टेंट है, अगर लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और मुझे पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिस्टम का प्रेशर चेंज होता है, राइट? पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, राइट? तो अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज हो रहा है तो अगर रिवर्सिबल होता तो सराउंडिंग का प्रेशर भी चेंज होता, क्योंकि सराउंडिंग का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नाउ चाहे कोई भी प्रोसेस हो, वर्क डन इरिवर्सिबल क्या होता है? व्हाट इज वर्क डन इरिवर्सिबल? माइनस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, कोई डाउट? यार पी एक्सटर्नल कैसे कैलकुलेट करेंगे? शैल आई से एवरी टाइम फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी पी एक्सटर्नल, बिकॉज एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम। याद है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे बंद होता है अगर फाइनल प्रेशर सिस्टम का इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के खत्म होने पर, तो पी टू विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल, राइट? ऑलवेज। यस सर। तो पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिखूं? पी टू। अब मेरे को पी नहीं पता तो मैं पी टू को क्या लिख सकता हूं? एन आर टी बाय वी टू, कोई डाउट? नो सर। मुझे वी टू पता है, वी वन पता है, और टेम्परेचर भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, मतलब 2 इंटू आर इंटू टी दैट इज 300। ये वी टू है, वी टू है तुम्हारा 20 माइनस 10 बाय 20, कोई डाउट? अगर ये चीज लीटर में है, ये चीज लीटर में है, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या आएगा? यूनिटलेस। यस सर। तो एक बार बताओ, फाइनल यूनिट्स ऑफ आंसर किस पे डिपेंड करेगी? किसकी यूनिट्स पे डिपेंड करेगी? अगर वॉल्यूम ने वॉल्यूम को कैंसिल कर दिया, लीटर लीटर कैंसिल हो गया, तो शेल एस से आर की यूनिट्स ये डिसाइड करेगी फाइनल वर्क डन कितना होना चाहिए, दैट इज माइनस 300 आर।
अगर तुमको जूल्स के अंदर चाहिए तो इट विल बी लाइक -300 × 8.31 जूल्स। कैलोरीज में चाहिए तो 300 × 2 600 कैलोरीज। गेटिंग इट गाइस? अंडरस्टूड? यस सर। अगर लीटर एटीएम में चाहिए तो -2 × 0.0821 × 300, तो दैट इज -600 × 0.0821, दैट इज यूनिट्स आर लीटर एटीएम। तो आर की यूनिट्स ये डिसाइड करेंगे ये फाइनल कौन सा आंसर लिया जाएगा। गेटिंग इट? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट इसके अंदर, एवरी इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टॉप्स एट रिवर्सिबल कंडीशन। फाइनल प्रेशर फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का सराउंडिंग के फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर जितना हो जाता है तो पी एक्सटर्नल के बाद पी टू होती है। गेटिंग इट? आगे चलें? यस। क्वेश्चन टू, 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एक्सपैंड्स फ्रॉम वॉल्यूम टेन लीटर टू 20 लीटर एट constant temperature 300 Kelvin reversibly. Calculate work done. Aaj एलएन टू की वैल्यू क्या थी ऊपर? किसकी? एलएन टू। एलएन टू 0.693। ओके सर। हाँ बेटा। ओके कैलकुलेट किया गाइस, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है राइट?
कितना आएगा वर्क डन रिवर्सिबल? वर्क डन रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कौन सा प्रोसेस हुआ ये? आइसोथर्मल। तो ये हो जाएगा वर्क डन रिवर्सिबल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज माइनस 2.303 इंटू एन आर टी लॉग ऑफ V2 by V1, agree? Okay, so what I'll get over here? Minus 2.303, N is 2, R le lete 8.31, temperature 300, log of volume kar jayega, unit less hai. So, jo R ki value hogi, wohi unit decide karegi, to log of 2 aa jayega. तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू 0.301। गाइस इनको क्या इसको कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आया? इसको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर यूज करके या कैसे भी कितना आंसर आ रहा है जूल्स के अंदर? गाइस आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? तो आंसर लीटर एटीएम में आएगा। यस आई गॉट दैट, यू नॉट अलोन। आई एक्चुअली लिट दैट उस क्वेश्चन के अंदर ट्रिकी यही थी, दैट इज व्हाई गिवन दैट क्वेश्चन। नो दैट वाज सपोज टू बी डन दैट वे ओनली, मतलब दिया ही था ये गलती करो, कभी कभार गलती करवाना चाहिए। तो आंसर आएगा 3456 जूल। डन। यस सर। हाँ पता है दिया ही इसलिए था यार ताकि गलती करो। गेटिंग इट? चले आगे गैस। यस सर। ओके नाउ लिसन वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस। मुझे वर्क डन रिवर्सिबल निकालना है। गेटिंग इट? Now tell me what is an adiabatic process? Adiabatic process क्या होता है? Adiabatic process no heat exchange between the surrounding and the system. हाँ तो मतलब Q क्या होगा? Now work done reversible निकालना है, तो tell me one thing, Q reversible is equal to du minus W, agreed? Yes sir. तो क्यू कितना है? तो ये नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। कोई डाउट? नो सर। डब्ल्यू रिवर्सिबल इज एक्चुअली इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। सो वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। गेटिंग? यस सर। यस। आगे चलें। लिसन गाइस, इसको डिटेल में करेंगे हम लोग, ठीक है? इसको कंटिन्यू करेंगे, मे बी आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज देन वी विल डू दैट, ठीक है?
बट इतना लिख लो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कैलकुलेट करने के लिए अपने को बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके वहां आओगे जो कि सही है, गेटिंग इट? लिख लिया? यस सर। चल एक काम करते हैं, एक काम करते हैं अभी ना, इतना ही करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द रिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेशन, ठीक है? इज वन क्वेश्चन ऑन वर्क डन, ठीक है? ओके, टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज अंडरगोइंग एन एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम 10 लीटर टू 20 लीटर्स एट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिख लो, कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 280। इन अदर केस टू मोल्स ऑफ सेम नाइट्रोजन, टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज अंडरगोइंग रिवर्सिबल एक्सपेंशन एट 400 केल्विन फ्रॉम वॉल्यूम 8.21 liter to 16.42 liters. Calculate the ratio of work done, ratio of former work done to फॉर्मर के बाद क्या आता है? लैटर वर्क डन। इन दोनों का कैलकुल रेशियो निकालना, गेटिंग इट? क्वेश्चन दिखाओ जल्दी।
Shall I scroll down the question? Yes. Okay, calculate करके answer बताओ. I want correct answer from everyone now. आंसर आया गाइस, आंसर आया सर? अभी कर रहा है, एक सेकंड. ओके. Okay. Okay, देवांगिल, we'll check it out. दोनों में expansion है तो नेगेटिव क्यों होगा बेटा? दोनों का वर्क डन नेगेटिव होगा तो रेशियो तो पॉजिटिव ही आएगा ना. ओके श्रेया, ओके रंजन. हाँ चलो, शैल वी सॉल्व दिस नाउ गाइस? सॉल्व करें इसको. हाँ यस सर. ओके नाउ लिसन, पहला वाला प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक डिवाइड बाय वर्क डन आइसोथर्मल, यही करना है ना? अरे है कि नहीं? यस सर. ओके नाउ इसका जो वर्क डन होगा वो पीडीवी होगा, आया ना? आइसोबारिक वर्क डन होगा पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, आइसोथर्मल होगा माइनस ऑफ एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन. कोई डाउट इसके अंदर? नो सर. अच्छा अब एक बात बताओ, सब समझना. प्रेशर में एटीएम में ले रहा हूँ, वॉल्यूम लीटर में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी जो आर की वैल्यू लूंगा ताकि सब कैंसिल हो जाए, तो आर की क्या वैल्यू लूंगा यहाँ पे अगर ऊपर लीटर एटीएम ले रहा हूँ तो? 0.0821. बात खत्म हो जाती है. 2 into वॉल्यूम का चेंज कितना है? 10 to 20, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय
माइनस ऑफ टू तो पी इंटरनल होगा ना, बेटा, वी टू माइनस वी वन होगा ना, और अगर पी इंटरनल है पी एक्सटर्नल है क्या फर्क पड़ता है जब प्रेशर कांस्टेंट है तो? बेटा प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मेक इट 2.303 लॉग टू, ये क्या हो रहा है? वाह लॉग टू। तो एक बात बताओ, ये गया लॉग टू इन दिस 0.693, तो 10/0.0821 इंटू 400 इंटू 0.693 कितना आया ये? तो वन बाय 40 इंटू 0.693 इंटू 0.0821, द आंसर विच विल बी गेटिंग ओवर हियर इज 40 × 0.693 × 0.0821 तो 2.2 आएगा, 2.6, 1/2.26। ये किसका आया? सर वो 2.303 log 2 उसका कैसे किया? 0.693 ले लिया ना, 2.303 log 2.693 होता। सर वो कैसे? एलएन टू बताया तो था, नेचुरल लॉग ऑफ टू इज 0.693 वैल्यू दी थी ना पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक हाँ ठीक है, है? डन। अब डन, यस यस सर। ओके चले आगे। लिख लिया सबने ये? ओके देवांगी, लिसन गाइस, वन मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन बर्निंग गिव्स 400 जूल्स ऑफ एनर्जी, राइट? अ मैन कंज्यूम्स 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, अ मैन वेइंग 60 kgs कंज्यूम 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज एंड 50% ऑफ एनर्जी इज यूज टू परफॉर्म वर्क, एंड 50% ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड एज हीट। दिस मैन is climbing a mountain
टिल व्हाट हाइट? ही कैन टिल व्हाट हाइट इट कैन क्लाइंब? समझ में आया क्या पूछा? अरे समझ में आया, यस सर। एक बात बताओ, एक आदमी है, उसने 2 मोल ग्लूकोज के लिए 360 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 360 by 180 इज 2 मोल्स, राइट? करेक्ट। यस सर। 2 मोल से जितनी भी एनर्जी आएगी, आधी एनर्जी वो हीट की फॉर्म में लिबरेट कर रहा है और आधी एनर्जी रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज कर रहा है, राइट? राइट। यस सर। अब मुझे क्या बताओ, कैसे करूं इस क्वेश्चन को? अच्छा, टेक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक बात बताओ, ये आदमी माउंटेन चढ़ने के लिए कितना एनर्जी है इसके पास? माउंटेन चढ़ने के लिए, सिर्फ माउंटेन चढ़ने के लिए सर जितनी एनर्जी 1 मोल में से निकलती तो 400 जूल, होगी। बिकॉज 1 मोल यहाँ पे यूज होगा, 1 मोल यहाँ पे यूज होगा, करेक्ट? तो यस चलें सर। से 400 जूल्स विल बी इक्वल टू व्हाट? चढ़ रहा है ना ऊपर, वो इज इक्वल टू, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट। mgh, राइट, हाइट। तो एक बात बताओ, हाइट कितना आ जाएगा? 400 डिवाइड बाय, मास कितना है? जी कितना है? 10, तो 2 by 3 meters, राइट? राइट, यस सर। यस सर। ओके, इतना लिख लो। वील वाइंड अप टुडे, वील कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो गाइस, गुड इवनिंग, टेक केयर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक बाय बाय सर। यू सर। ओके बेटा, टेक केयर बाय एंड सर। या ओके।